तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि जब भी आपको कोई कॉल करे तो कॉल करने वाले को एक गाना सुनाई दे जो कि आप सेट करोगे, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक कॉलर ट्यून सेट कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं छोटे वाले फ़ोन से इस बड़े वाले फ़ोन में कॉल करने जा रहा। तो दोस्तों, देख सकते हो जैसे ही मैंने छोटे वाले फ़ोन से बड़े वाले फ़ोन में कॉल लगाया, तो जिस फ़ोन से मैंने कॉल लगाया है उसमें मुझे गाना सुनाई दे रहा है रिंग के जगह पे। तो अगर आप भी चाहते हो इस टाइप का कॉलर ट्यून सेट करना जिसमें कि कोई भी अगर आपको कॉल करे तो कॉल करने वाले को गाना सुनाई दे और वो गाना आप अपने हिसाब से पसंदीदा सेट कर सकते हो, तो वीडियो अभी आप लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए। अगर आप वीडियो का कोई पोर्शन स्किप कर देते हो सकता है आपसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए, क्योंकि कॉलर ट्यून सेट करना आपके सिम ऑपरेटर पर भी डिपेंड करता है, अर्थात किस कंपनी का आपके पास सिम है उस पर भी डिपेंड करता है। तो चाहे आपके पास जियो का सिम हो या फिर एयरटेल का सिम हो, आप कॉलर ट्यून सेट कर सकते हो। तो पूरा वीडियो देखें, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में ये ऐप ओपन कर लेना है। इस ऐप का नाम क्या है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो सिंपली आपको ये ऐप ओपन करके म्यूजिक पे टैप करना है। म्यूजिक पे टैप करने के बाद आपको नीचे ट्यून्स का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली इस पे टैप करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद अभी आप देख सकते हो मैंने वर्तमान समय में ये ट्यून सेट किया हुआ है, अर्थात कोई भी मुझे कॉल करता है तो ये सुनाई देता है। Thank you for calling. अपने नाम का मैंने सेट कर रखा है, लेकिन अभी मैं अब गाना सेट करना चाहता हूँ। मीन्स कोई भी मुझे कॉल करे तो उसको बॉलीवुड का कोई गाना सुनाई दे, या फिर जो भी गाना आप सेट करना चाहते हो वो सुनाई दे। तो यहाँ पे आप लिस्ट में से कोई भी गाना सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर गाने का नाम यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। तो मान लो मैं ये गाना लगाना चाहता हूँ जो सामने दिख रहा है, तो सिंपली मुझे इस पे टैप करना है और यहाँ पे मुझे इस गाने का अलग अलग लिरिक्स दिख जाता है। इन दो लिरिक्स में से कोई एक मैं सेट कर सकता हूँ। आप दोनों को प्ले करके सुन सकते हो। जो भी आपको सेट करना हो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे आपको सेट पे टैप कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे मोबाइल के मैसेज में भी कुछ इस टाइप का मैसेज आया था कि वो ट्यून सेट कर दिया गया है, जिसके लिए चार्जेस जीरो है। अगर मुझे इसे डीएक्टिवेट करना हुआ बाद में तो मैं इस नंबर पे कॉल करूँगा या फिर मैं इस नंबर पे एसएमएस कर सकता हूँ, और एसएमएस में मुझे सिर्फ कैपिटल में स्टॉप लिखना है और ये चीज़ डीएक्टिवेट हो जाएगा, या फिर आप ऐप से भी जा करके डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे हो सकता है आपके पास जियो का सिम हो या फिर एयरटेल का सिम हो, तो जिस भी कंपनी का सिम है आपको उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग ऐप मिल जाता है प्ले स्टोर पे। तो अगर मान लो आपके पास जियो का सिम है तो आप प्ले स्टोर ओपन करके ये ऐप इंस्टॉल कर लोगे, माई जियो। इसी ऐप से मैंने अभी कॉलर ट्यून सेट किया था क्योंकि मेरे पास जियो का सिम है। अगर आपके पास एयरटेल का सिम है तो आपको ये ऐप इंस्टॉल करना है जिसका नाम है विंक म्यूजिक। इस ऐप में भी आपको सिमिलर उसी टाइप का सेटिंग मिल जाता है। तो जिस कंपनी का आपके पास सिम है अकॉर्डिंगली आप ऐप को चूज करके सेट कर सकते हो।